माननीय स्टूडेंट आई एम मोहम्मद उमर, यू आर वाचिंग टू मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उमा बैजेंटी पब्लिक स्कूल शाहपुर जौनपुर। प्रिय स्टूडेंट, आप हमें उमा बैजेंटी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। हम फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग सीख रहे हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, टीथ एंड माइक्रोब्स, दांत और जीवाणु। हम लोग इसमें हम लोग देखे थे, पहले हम लोग सीख चुके हैं टीथ के बारे में। टीथ टू सेट होते हैं, टेम्प्ररी एंड परमानेंट। टेम्प्ररी अस्थाई, परमानेंट अस्थाई। टेम्प्ररी जिसे मिल्क टीथ कहते हैं, ये छोटे बच्चों में होता है 8 से 9 साल तक। इसके बाद दांत गिरना शुरू होता है, गिर जाता है, उसके स्थान पे आपका परमानेंट टीथ आता है। जो टेम्प्ररी टीथ होता है यानी कि मिल्क टीथ, ट्वेंटी नंबर्स में होता है, लेकिन जो आपका परमानेंट टीथ होता है वो 32 होता है एडल्ट पर्सन में। बच्चों में ये 28 नंबर में रहता है, कितना 28 नंबर में रहता है। इसके बाद बताया गया था काइंड ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। टीथ आपके 4 टाइप बताया गया था, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। उनका नंबर भी बताया गया था, उनका वर्थ बताया गया था। इंसाइजर जो होता है बाइटिंग काम करता है, कैनाइन जो होता है टीयरिंग का वर्क करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है। प्री मोलर जो होता है क्रैकिंग का काम करता है, क्रैक करता है किसी थिंग को। एंड मोलर जो होता है चीविंग का काम करता है। उनका सबका नंबर बताया गया था। इसके बाद बताया गया था पार्ट्स ऑफ टीथ, दांत के भाग, दो भाग बताया गया था, रूट एंड क्राउन पार्ट। हाँ, क्राउन पार्ट ऊपर वाला पार्ट जो होता है क्राउन होता है, इस तरह जो दिखाई देता है, और इसके बाद नीचे वाला जो पार्ट होता है वो रूट पोर्शन कहलाता है। इसके बाद बताया गया था इनेमल होता है, सबसे कठोर पार्ट होता है, ये सब बताया गया था। रूट कैनाल होता है, पफ होता है, और गम्स जो होते हैं रूट को चारों तरफ से घेरे रहता है, ये सब बताया गया था। डिके, इसके बाद टूथ डिके बताया गया था, दांत का सड़ना कैसे चलता है। व्हेन एनी थिंग्स वी ईट, जब कोई हम चीज खाते हैं वो हमारे दांत के बीच में जाके फंस जाता है, बिटवीन द टीथ, फूड आर स्टिक्स एंड देन दे फॉर प्लग, बाद में प्लग बनाता है, पट्टी के आपके दांत के ऊपर जम जाता है सफेद सफेद। व्हेन वी एसिड वी ईट सुगर सबस्टेंस दे फॉर रिएक्ट विथ प्लग एंड सुगर फॉर एसिड। जब हम कोई मीठा पदार्थ खाते हैं तो आपका जो प्लग है और मीठा पदार्थ शुगर और जो आपका प्लग बना हुआ है, जो सड़ा हुआ पार्ट होता है आपका, जो भी खाते हो बताएगा दांत जाके बीच में फंस जाता है, फिर वो सड़ने लगता है वहाँ, उसके बाद वहाँ पे प्लग बना देता है, सफ़ेद पट्टिका बना देते हैं, पीला पीला, हाँ पीला होता है, हल्का पीला कलर होता है वो। और आपका जो इसके बाद चॉकलेट खाए, कोई मीठा पदार्थ खाए, बिस्किट खाए, वो दोनों जा कर के प्लग और शुगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, क्या बना देते हैं एसिड,
एसिड पता है तेजाब जो होता है किसी भी चीज को गलाने में उपयोग होता है, तो ये आपके दांत के जो इनेमल होता है उसको धीरे धीरे सड़ाना शुरू कर देता है, गलाना शुरू कर देता है और वह आपका अंदर तक पप तक उसको सड़ाते सड़ाते चला जाता है। इसके बाद वहाँ पे सेंसरी नर्व्स आया रहता है, वहाँ दर्द होता है इसकी वजह से, और ब्लड प्रेशर भी आया रहता है, ये बताया गया था, और वहाँ पे कैविटी बन जाता है, ये हो गया था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक है टेकिंग केयर ऑफ टीथ, दांत का देखभाल कैसे करें, टेकिंग केयर ऑफ टीथ। दांत का देखभाल हमें कैसे करना है, टू टाइम ब्रश करना चाहिए, फर्स्ट टाइम मॉर्निंग एंड सेकेंड टाइम जो हो आफ्टर द डिनर या बिफोर द स्लीपिंग, या डिनर के बाद या सोने से पहले शाम के रात के वक्त, तो उस समय दो टाइम करना चाहिए। वन डे में हाउ मेनी टाइम ब्रश, टू टाइम एवरी डे एट मॉर्निंग एंड आफ्टर बिफोर द स्लीपिंग इन नाइट टाइम, हाँ जब सोने के वक्त रात के समय उस समय करना चाहिए, दो टाइम करना चाहिए। इसके बाद बताया गया ब्रश करने का जो तरीका है, करेक्ट तरीका है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ पहले क्या करना है, ब्रश है मान लेते हैं, इसे ब्रश है, पहले ऊपर से दांत को ऊपर जो ऊपर वाला अपर जा है उस वाले रो में आपको ब्रश करना है, वहाँ से ऊपर से नीचे लाएंगे, ऊपर से क्या करेंगे नीचे अपर जा में ऊपर साइड ना, ऊपर साइड पहले ऊपर से नीचे ऐसे चारों तरफ कर लेंगे, फिर इसी अपर जा के इनर साइड माउथ के अंदर इनर साइड होता है वहाँ ले जाकर के ऊपर से नीचे करेंगे, हाँ ऊपर से ऐसे नीचे, ये हो गया पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, फिर तीसरी क्या करेंगे, अब नीचे लोअर जा में आएंगे, लोअर जा में नीचे से ऊपर ले जाएंगे, कहाँ से नीचे से ऊपर ले जाएंगे, पहले ऊपर साइड करेंगे, हाँ फिर इसी तरह अंदर साइड करेंगे, अंदर से ऊपर ले जाएंगे, हाँ इस तरह से, फिर इसके बाद ये हो गया। इसके बाद आप दांत को ऐसे बंद कर लेंगे तो आपको इधर उधर रब करना है दांत को, ये हो गया करेक्ट ब्रशिंग, यानी कि ब्रश करने का सही तरीका हो गया। इसके बाद हमको दांत को कैसे केयर करना है, उसमें पहला क्या है, किस तरह से हम अपने दांत को बचा सकते हैं, एवॉइड, पहला एवॉइड बचना चाहिए, एवॉइड मच ईटिंग, एवॉइड ईटिंग टू मच चॉकलेट और शुगर सब्सटेंस, चॉकलेट चॉकलेट्स एंड स्वीट, हमें मीठे पदार्थ जितने भी हैं चाहे शुगर हो चाहे बिस्किट है चाहे मीठे में सब आ जाता है, पेड़ा आता है, बर्फी आता है, रसगुल्ला आता है, गुलाब जामुन, हाँ ये सब स्वीट्स होते हैं, उसमें बिस्किट भी हो गए, चॉकलेट, इन सब को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, खाए तो हल्का खाना चाहिए जिसको आपको एनर्जी मिल सके, हाँ ज़्यादा मात्रा में तो ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट और स्वीट पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, एवॉइड बचना चाहिए। सेकेंड है मसाज,
मसाज करना चाहिए दर्द गम्स विद फिंगर। फिंगर किससे बताया गया? फिंगर्स आपके जो उंगलियां होती है उससे अपने मसाज को गम जो है गम को मसाज करना चाहिए, लगाना चाहिए दर्द से इधर। हाँ ये हो गया। थर्ड फ्लॉस योर टीथ प्रॉपरली, फ्लॉस योर टीथ रेगुलरली, रेगुलरली या प्रॉपरली, अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। प्लस क्या होता है? टीथ को धागे से साफ करना, धागे की सहायता से दांत को साफ करना सही तरह से। जैसे दांत कुछ फंस गया तो धागा ले लीजिए, उसको उस धागे से लेकर के दांत को साफ करना क्या कहलाता है? फ्लसिंग। वॉश योर माउथ आफ्टर द मील, आफ्टर ईच मील, मील नहीं सुना भोजन खाना, यानी कि वॉश योर माउथ आफ्टर ईच मील, जितने भी समय आप खाना खाए भोजन लिए उसके बाद आप अपना मुंह को धोना चाहिए। हाँ जितने भी टाइम आप खा रहे हो, सुबह खा रहे हो, लंच ले रहे हो या डिनर ले रहे हो, ब्रेकफास्ट डिनर एंड लंच, ब्रेकफास्ट आप सुबह का होता है भोजन, लंच दोपहर का होता है और डिनर जो होता है रात के भोजन कहते हैं। तो जब ये ले रहे हो तो अपने मुंह को अंदर की तरह अच्छी तरह से धुलना चाहिए। ये पहले हो गए एवॉइडिंग टू मच चॉकलेट एंड स्वीट्स, ज्यादा मात्रा में न तो चॉकलेट या स्वीट खाना चाहिए, बचना चाहिए। दूसरा बताया गया जो गम्स है आपके मसूड़े उसका मसाज उंगली से करना चाहिए, उंगली से रगड़ रगड़ कर साफ करना चाहिए, उससे आपका मसाज हो जाता है। फ्लश योर टीथ प्रॉपरली, जो टीथ है आपके दांत के बीच में जगह होती है उसमें खाना जाके फंस जाता है, उससे धागे से क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए, वही आपका फ्लॉसिंग कहलाता है। वॉश योर माउथ आफ्टर ईच मील, प्रत्येक भोजन के बाद आहार लेने के बाद अपने मुंह को धोना चाहिए। नेक्स्ट नंबर फाइव, नंबर फाइव क्या लिखे? नंबर फाइव है क्लीन द टंग, क्लीन द टंग, जीभ को टंग क्लीनर आता है, जीभ साफ करने वाला आता है उससे साफ करना है। क्लीन द टंग विथ टंग क्लीनर, क्लीनर तो क्लीनर हाँ यहाँ बताए क्लीन द टंग, जीभ को भी रोज साफ करना चाहिए, इससे जो टंग क्लीनर आता है जीभ को साफ करने वाला जिसे जीभ क्लीनिंग कहते हैं उससे जीभ को साफ करना चाहिए। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स क्या है? विजिट द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मतलब दांत के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर के पास 6 महीने के बाद जाना चाहिए,
देखिए साल भर में दो बार जाना चाहिए, छः छः महीने में डॉक्टर पास जा कर के दांत को चेक करना चाहिए, विजिट द डेंटिस्ट मीन्स क्या होता है, दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है, वंस एवरी एवरी करते हैं छह महीने, एक बार छह महीने सिक्स छह महीने में एक बार, कम से कम एक बार छह महीने में डॉक्टर के पास दांत के डॉक्टर के पास जा करके अपने दांत को चेक करना चाहिए, सिक्स मंथ मंथ फॉर रेगुलर चेक बताएगा किस तरह से हम अपने दांत को केयर कर सकते हैं। पहले बताएगा ज्यादा ज्यादा मात्रा में चॉकलेट या स्वीट पदार्थ नहीं खाना चाहिए। सेकंड बताएगा जो कम है उसका मसाज पॉलिश करना चाहिए। थर्ड बताएगा फ्लॉस योर टीथ, फ्लॉस बताएगा क्या होता है, धागे से जो दांत साफ किया जाता है उसको फ्लोसिंग कहते हैं, फ्लस करना चाहिए दांत के बीच में जो जगह है उसे, अगर आपके बीच में खाना पर दांत के बीच में खाना फंस गया है चिपक गया है इसे साफ करना चाहिए, धागे साफ करना चाहिए। इसके बाद फोर्थ बताया गया जितने टाइम आप भोजन ले रहे हैं उसके बाद अपने मुंह को अच्छी तरह धोना चाहिए। फाइव बताया गया दांत को टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए। सिक्स बताया गया डेंटिस्ट के बाद यानी कि दांत के डॉक्टर के पास छः महीने में जा कर के अपने दांत को चेकअप कराना चाहिए। ये हो गए आपके टेकिंग केयर ऑफ टीथ। आपके बुक में है थिंग्स टू नो फ्लोसिंग, व्हाट इज फ्लोसिंग क्या होता है, फ्लोसिंग इज द क्लीन बिटवीन द टीथ विथ ए थ्रेड, थ्रेड की सहायता से दांत के बीच में फंसे हुए भोजन को साफ करना फ्लोसिंग कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन भी है तो होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What is flossing? What is flossing? Question number second. Write the rule of रूल्स टेकिंग केयर ऑफ टीथ, जो रूल लिखा है जो नियम बताया है सिक्स रूल है उसको राइट द रूल टेकिंग केयर ऑफ सॉरी टीथ यहाँ पे टीथ लगा टेकिंग केयर ऑफ टीथ। ये हो गया होमवर्क, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। व्हाट इज फ्लोसिंग आपके बुक में है, फ्लोसिंग इज टू क्लीन बिटवीन द टीथ विथ ए ट्रे। दैट्स ऑल, थैंक्स।